धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। 37 पद से 40 पद तक कोई आज पढ़ दे। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। आमेन। इसका 37 पद वापस पढ़े। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। बस, थैंक यू। प्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है? लेखक यहां क्या चाहता है और प्रभु क्या क्या चाहता है हमारी लाइफ से? खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, धर्मी को देख। दो बातें हैं यहां पर। आज हम इसी बात पर मनन करेंगे, हमारी दृष्टि कहां है, हम किसको देख रहे हैं, प्रभु क्या चाहता है कि हमारी आंखें किसको देखे। क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार देख रहे हैं? खरे मनुष्य को देख, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, धर्मी को देख। मेरे अजीजो, बाइबल में दो तीन लोगों के लिए खरा शब्द इस्तेमाल किया है। पहला, बाइबल में हम खरा शब्द जो है वो नूह के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति के 6 अध्याय के 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, और उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने जब दृष्टि की सृष्टि के ऊपर, तो क्या देखा, क्या पाया कि सब कुछ बुरा 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 बुरा, बुराई के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। पाप करने में लोग सीमा लांग गए हैं, और परमेश्वर के सामने एक सवाल आ गया है। ऐसी पृथ्वी, ऐसी सृष्टि की रचना मैंने नहीं चाही थी। मैंने जिस सृष्टि की कल्पना की थी, मैंने जिस मनुष्य को बनाया था, वो पाक और पवित्र था, मेरी समानता और मेरे स्वरूप में था, और मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी बनाई हुई सृष्टि ऐसी हो जाएगी। ऐसा कई बार आपके जीवन में भी होता है, आपके परिवार में भी होता है। आप अपने बच्चे से जो अपेक्षा नहीं करते, वो काम वो बच्चा कर बैठता है, और उस समय जो माता पिता का हाल होता है, वो हाल बेहाल हो जाते हैं। यह अनुभव हर एक माँ बाप को होगा, और जिनको नहीं है, जब बच्चा टीन एज में आएगा करा देगा। और हमने अपने परमेश्वर के को करा दिया। परमेश्वर ने दृष्टि की तो क्या देखा, सृष्टि पर पाप बहुत बढ़ गया है, और उसके सामने सवाल आ गया कि ऐसी पृथ्वी, ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। आई डिस्ट्रॉय, मैं इसे खत्म करूंगा। लेकिन जैसे ही दृष्टि कर रहा था, एक व्यक्ति पर नजर पड़ी। नवा पद इसका उदाहरण है, पढ़ी। नूह की वंशावली यह है। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष। लोग अपनी वंशावली बताते समय बताते, मेरे बाप का नाम यह है, क्या है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मेरे पिताजी के पिताजी का नाम यह है, फिर उनके पिताजी का यह नाम है। वंशावली का मतलब यह होता है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह की वंशावली लिखी है, और यीशु मसीह से लेकर 42 पीढ़ी तक वहां पे लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहां से आया निकलकर, वो वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन जब नूह की वंशावली की बात आती है, नूह के पिताजी का नाम पूछा, तो नूह ने बोला, भैया मेरे तो कोई बाप है ना कोई माँ है, मैं तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करता हूं, यही मेरा बाप है, यही मेरी माँ है। नूह धर्मी पुरुष था, ही वॉज अ राइटियस मैन।
नूह से जब पूछा होगा, भैया तुम अपने बाप का नाम बताओ, अरे क्या बाप, बाप बाप क्या करना है बाप से, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, है जी, क्या बोला उसने, मैं तो खुदा का बेटा हूं और उसी की आज्ञा का पालन करता हूं। और उसके बाद लिखा है वो अपने समय के लोगों में खरा था। खरा का क्या मतलब होता है? खोट रहित। आप बाजार में सोना लेने जाते हैं, उसके अंदर जो मिलावट होती है वो कैरेट में नापी जाती है, 22 कैरेट, 24 कैरेट। 24 कैरेट का मतलब है कोई मिलावट नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मिलावट पसंद है? दूध में मिलावट आपको पसंद है? तेल में मिलावट आपको पसंद है? बोलो ना। पानी में कुछ और मिला दे तो मिलावट पसंद है? नहीं। पर आपके जीवन में कितनी मिलावट है? उसको आप लिए चल रहे हैं, उसको आप पसंद भी करते हैं। प्रभु खरे लोगों पर दृष्टि करने के लिए आपको निर्देश दे रहा है, जो खरे हैं उनको देखो। हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारी आंखों को एक बीमारी है, जो गिर गए उनको देखते रहते हैं, जिनमें कमियां हैं उनको देखते रहते हैं। कभी भी मैंने कई लोगों को, जब मसीह समाज की बात करता हूं मैं, मसीह समाज के लोगों से जब बात होती है और जब हम उन्हें ये बताते हैं कि बपतिस्मा जो है वो डूब का ही है, स्प्रिंकल बैप्टिज्म जो है वो बैप्टिज्म नहीं है, ऐसा जब हम उन्हें बताते हैं, तो वो तुरंत 2-4 लोगों के उदाहरण देते हैं। वो देखो उन्होंने भी यही वाला लिया था डूब का, वो आज सिगरेट पी रहा है। वो उन्होंने देखो उन्होंने भी यही वाला बपतिस्मा लिया था, वो उल्टे सीधे काम कर रहा है। वो देखो वो फलाने व्यक्ति को, उसने भी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके दारू पी रहा है। एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसे ही सवाल किया, जब मैंने बोला आपने बोल लिया, बोले हाँ, मैंने कहा अब मैं बोलूं, बोले हाँ, मैंने कहा दिनाकरन ने भी वही लिया था, वो आज ऊंचाइयों पर है, आप उसको क्यों नहीं देख रहे? उनके बेटे पॉल दिनाकरन ने भी वही बपतिस्मा लिया, आप उनको क्यों नहीं देख रहे? और जो और बेनेइन साहब और बड़े बड़े प्रभु के दास लोग जिन्होंने यही डूब का बपतिस्मा से तौबा करके डूब का बपतिस्मा लेकर आज ऊंचाइयों पर हैं, आप उनको क्यों नहीं देख रहे? आपको ये 4 लोग गिरे हुए नजर आ रहे? प्रभु का वचन कहता है खरे लोगों पर दृष्टि कर। वो काई को मिट्टी में मिल गए, काई को दारू पीने लगे, क्योंकि उन्होंने मिलावट भरा हुआ जीवन जिया, खराई पे नहीं चले वो, उन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया। बपतिस्मा तो ले लिया, पर बपतिस्मे के बाद जो समझौते का एक्सप्रेस चलाई अपने, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई। एक क्लास में 60 बच्चों को टीचर पढ़ाता है, उसी 60 बच्चों में से कुछ लोग गेन करते हैं और RAS, IAS, IPS ऑफिसर बन जाते हैं, और उसी 60 बच्चों में से कई गेटकीपर भी बनते हैं। तो टीचर का कसूर है? स्कूल का कसूर है? कलीसिया में भी बहुत सारे लोग आते हैं, कलीसिया में लोग कम थोड़ी आते हैं, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वही तो ऊंचाई पे जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, चलता है, बोलो, आपका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना, हमारे को 2 कान दिए हैं, एक से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, ऐसे कई जुमले हैं, हम तो हमारे रास्ते पे ही चलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कोई कि कमावे हम और 10वां अंश लाके देते हैं इसको, ऐसा थोड़ी होता है कोई, ये तो हमारे बच्चों का भाग छीनना है,
आपस में जब बात करते हैं। प्रभु का वचन कहता है खरे व्यक्ति को पर दृष्टि कर। हमारी आंखों को एक बीमारी है कि हम हमेशा कमियों को देखते हैं, हम हमेशा गिरतों को देखते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने अपने चेलों को नाव पे चढ़ा दिया और आधी रात के लगभग का समय था। उसमें आंधी और तूफान आया, सामने से यीशु मसीह आ रहा था, सामने से यीशु मसीह आ रहा था। कैसे आ रहा था? पानी पे चल के। जब पानी पे चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा 12 चेलों ने, तो बोला ये भूत है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज है, पानी पर आत्मा चलती है। मैं कई बार फोटो खींचने वालों को बोलता हूं अपने कैमरे में देख लो आई भी है कि नहीं फोटो, तो फिर मेरे को देखते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा आत्मा की फोटो नहीं आती। कहने का मतलब यह है कि वो यीशु मसीह जो सामने से चला आ रहा है उसको भूत बोल रहे हैं। उनके दृष्टिकोण क्या है देखने का, वो वही समझ रहे जो उन्होंने समझा है, जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने सीखा है। हमारा भी प्रॉब्लम यही है, हम नया पाना नहीं चाहते, हम नया अनुभव में जाना नहीं चाहते, हम पुराने में रहना चाहते हैं, पुराना उतारना नहीं चाहते, पुराने पे नया पहनना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ सुना था वो ये सुना था कि पानी पर मनुष्य तो नहीं चल सकता पर आत्मा चलती है, यानी भूत चल सकता है। तो इन्होंने यीशु मसीह को क्या बोला, पुरानी सोच के आधार पर उन्होंने यीशु मसीह को भूत बोला। पर यीशु मसीह ने जोर से एक आवाज लगाई, बोला डरो मत मैं हूं। क्या बोला? डरो मत मैं हूं। और जैसे ही ये आवाज आई, यीशु मसीह का एक चेला था उसने उसकी आवाज को पहचान लिया। आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बात आपको अपने स्वामी की आवाज समझ में आनी चाहिए। अगर स्वामी की आवाज आपको समझ में नहीं आएगी, आपके चरवाहे की आवाज आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप कभी भी बड़े काम नहीं कर पाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। लेकिन पतरस नाम के चेले को यीशु मसीह की आवाज पहचान में आ गई और उसने कहा ये तो गुरु है, ये तो कौन है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये भूत भूत नहीं है, ये गुरु है। अब जैसे ही यीशु मसीह की आवाज समझ में आ गई कि सामने से जो आ रहा है वो मेरा चरवाहा है, मेरा गुरु है, और उसने अपने दिल के अंदर एक इच्छा जो थी उसको प्रकट कर दिया। क्या इच्छा थी? प्रभु यदि तू पानी पे चलता है तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। उसने यीशु मसीह से पानी पे चलने की अनुमति मांगी, अपनी इच्छा को जाहिर किया। और जैसे ही मैं वचन से ही बोल रहा हूं, जैसे ही वो उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया, यीशु मसीह ने अनुमति दी आजा। क्या बोला? आ। और ये जो इन्विटेशन है ना आ, इसको भी इसने ग्रांट किया। और ये जाने के लिए इसने क्या करा, एक कदम उठाया। अब इमेजिनेशन कीजिए आप, एक पांव नाव में है और एक पांव इसने बाहर निकाल दिया है। 11 चेलों ने क्या कर लिया है, इसका दूसरा पांव पकड़ लिया है। बोला पतरस तेरा दिमाग खराब है क्या, किसको देख रहा तू, कौन है सामने, जो सामने है वो भूत है। पतरस क्या कह रहा है, वो भूत नहीं है, गुरु है, वो मुझे बुला रहा है, जैसे वो पानी पे चलेगा मैं भी पानी पे चलूंगा। अब उसने क्या किया, अनुमति ली और बड़ी मुश्किल से पांव छुड़ाया होगा, क्योंकि आज जब हम प्रभु के लिए कोई भी कदम उठाते हैं
आपने अपने दैनिक जीवन में भी ये महसूस किया होगा, जैसे ही आप प्रभु के लिए कोई कदम उठाएंगे, आपके तमाम रिश्तेदार आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे, आपके माँ बाप भाई बहन निकटतम रिश्तेदार संबंधी आपकी टांग पकड़कर खींचेंगे, बोला यीशु के पीछे नहीं जाना, वो भूत है। लेकिन पतरस को समझ में आ गया था वो भूत नहीं है, क्योंकि पतरस ने उसकी आवाज को पहचान लिया था और उसने बड़ी मुश्किल से पांव छुड़ाया होगा और दूसरा कदम भी उसने क्या कर दिया, नाव के बाहर रख दिया। और जैसे ही नाव के बाहर उसने कदम रखा, क्या हुआ, वो पानी के ऊपर लहरों के ऊपर जैसे यीशु चला वैसे क्या करने लगा, चलने लगा। थोड़ी देर तक वो यीशु मसीह को ताकता रहा, देखता रहा, उस धर्मी पुरुष को अर्थात अपने गुरु को देखता रहा और पानी के ऊपर चलता रहा। आपको पता है फिर क्या हुआ, उसने यीशु की ओर से अपनी नजर हटाई और जैसे ही नजर हटाई वो डूबने लगा। अब डूबते पतरस को सब देखते हैं, डूबते पतरस की बात करते हैं, उसकी नेगेटिविटी को देख लिया हमने। पतरस पानी में डूबने लगा, पतरस पानी पे चला ये देखो ना, पतरस लहरों पे चला ये देखो ना, डूब गया या डूब रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन वो पानी पे चला। मेरा कहने का मकसद यह है, जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, जिन्होंने सफलता को हासिल किया इस मार्ग पर चल के, यही तौबा करके बपतिस्मा लेके, यही जो आपने लिया ना वही सेम बैप्टिज्म, सेम बैप्टिज्म मैंने भी लिया, जो आपने लिया वही मैंने भी लिया, मैं वो बपतिस्मा लेकर आज किस ऊंचाई पर हूं और कहां हूं वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम डूबते पतरस को ना बात करें, हम नेगेटिविटी को क्यों देखें, हम नकारात्मक बातों को क्यों देखें। प्रभु भी नहीं चाहता कि हम नकारात्मक बातों को देखें, इसलिए तो वो बोल रहा है खरे व्यक्ति पर दृष्टि करो। आप अपने जीवन का मॉडल यहूदा इस्करियोती को बनाओगे तो यीशु मसीह को बेचते फिरोगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन का आधार पतरस यूहन्ना याकूब पौलुस अर्थात ऐसे आश्चर्य कर्म करने वाले लोगों को बनाएंगे, उनको अपना मॉडल मानेंगे, तभी तो बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, आज से धर्मी को देखो, खरे व्यक्ति पर दृष्टि करो, जिसने अपने जीवन को खराई से चलाया उस पर दृष्टि करो। नूह के जमाने में केवल एक ही परिवार खराई से चल रहा था, बाकी सब मिलावटी थे, सब समझौता कर रहे थे, सब ने पाप का रास्ता पकड़ लिया था, सब गलत रास्ते पे चल पड़े थे। परमेश्वर ने अपने मर्म को किस पर प्रकट किया, खरे व्यक्ति पर। जो खराई और ईमानदारी से चलेगा परमेश्वर अपने मर्म को उस पर प्रकट करेगा। आपके घर में दो बेटे होते हैं, एक आपका कहना मानता ही नहीं है, एक तुरंत आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहता है, काम किसको बताओगे, है संध्या बहन, जो आज्ञा का पालन करेगा। आजकल परमेश्वर तो हमसे बात ही नहीं करता, आजकल हमको दर्शन नहीं देता, हमसे बोलता नहीं, बोले क्या, तू सुनता नहीं क्या, बोले। परमेश्वर अपना मर्म अपने बंदों पर प्रकट करता है, आप उसका बंदा बनिए, परमेश्वर इस शहर में आपके बिना कुछ नहीं करेगा। जैसे खुदा को इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लाना था, उसने अपने बंदे मूसा पर अपने मर्म को प्रकट किया। परमेश्वर को सदोम और अमोरा को नाश करना था, उससे पहले उसने अपने मर्म को अपनी योजना को अब्राहम पर प्रकट किया। ऐसे ही आप पर भी प्रकट करेगा,
लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम है मेरी टीवी और मेरी बीवी। यू हैव नो टाइम। और फिर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है, आप नकारात्मक बातें ज्यादा करते हो, नकारात्मक लोगों के बीच में ज्यादा उठते बैठते हो, सकारात्मक आपकी सोच ही नहीं है। खराई ईमानदारी आप में है नहीं, खोट से भरा हुआ जीवन है, ऐशमा आपके जीवन में कूट कूट के भरी हुई है। क्षमा मैं करूंगी नहीं, करूंगा नहीं, कड़वाहट रहकर अपना जीवन चल रहे हैं। तो ये तो मिलावटी जीवन है ना। प्रभु क्या कह रहा है? खरे व्यक्ति पर दृष्टि कर, उठते हुए व्यक्ति पर दृष्टि कर। आज हिंदुस्तान में लोग अपना मॉडल किसे बनाते हैं बताइए? लोग अपना आइडल किसे समझते हैं बोलिए ना, बोलिए। जो सक्सेस होता है अपनी लाइफ में, कोई फ्लाई फ्लॉप हीरोइन और हीरो को अपना मॉडल मानेगा? बोलने बेटा है? हाँ जी, कोई नहीं मानेगा। जो ऊंचाइयों पर हैं हम उसके समान बनना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वो भी तो ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे कर लूं, क्या फर्क पड़ रहा है? हम मिलावटी विश्वासियों को देखते रहते हैं, गिरावटी विश्वासियों की ओर ध्यान रखते हैं। डोंट लुक देम। जो ऊंचाइयों पे चले गए आध्यात्मिक जगत में, बायोग्राफी पढ़ी है साधु सुंदर सिंह की, बायोग्राफी पढ़ी है बेनहीन की, और बहुत सारे प्रभु के सेवक जो ऊंचाइयों पर चले गए, कैसे चले गए, जिनके पास कुछ नहीं था, पढ़िए उनके बारे में, पढ़िए कॉलगेट ब्रदर के बारे में, जिनके पास कुछ नहीं था और आज शिखर पर हैं। लुक टू देम। प्रभु क्यों आपका दृष्टि उन लोगों पे से हटाना चाहता है? क्योंकि उनको देखोगे तो मरोगे। खरे व्यक्ति को देखो, खराई ईमानदारी से चलने वाले को देखो। अगर आप मिलावटी को देखोगे तो मिलावटी हो जाओगे, खराई वाले को पीछा करोगे तो खरे बन जाओगे। नहीं, गलत बोल रहा हूं। नूह के जीवन को देखते हैं हम, उसके पिता का नाम धर्मी और खरा था, वो अपने जमाने का खरा व्यक्ति था। खरे का मतलब है उसमें कोई खोट नहीं था, प्रभु को पसंदीदा जीवन था उसका, इसलिए परमेश्वर ने अपने मर्म को उस पर प्रकट किया और बोला तू किश्ती बना। और परमेश्वर ने वो किश्ती बनाते समय अपने गुस्से को, अपने क्रोध को अंदर समेट के रखा। 120 साल के लगभग किश्ती बनने में लगा। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा। खरे व्यक्ति का प्रचार का रिजल्ट क्या है? जीरो। कितने लोग बच गए? कोई नहीं बचा, सिर्फ उसका परिवार। आप अपने परिवार को बचा लें, ये सबसे बड़ी बात है। आपका खुद का परिवार ही नहीं बच पा रहा है। और लिखा है अपने लोगों के समय में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अगर इस ही को हटा दो तो वो आपके तरह हो जाएगा। संसार में भी चल रहे हैं, प्रभु में भी चल रहे हैं, लेकिन ही आ गया तो एक शब्द देखो कितना भारी है। एक शब्द कितना भारी वचन, सेंटेंस को वजन दे रहा है। परमेश्वर ही के साथ, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे ना तो मेरा ख्याल है ऐसा लिखा होगा, ही वॉक ओनली विद गॉड। ओनली विद गॉड का क्या मतलब है? दूसरे से, उस दूसरे रास्तों से उसे कोई मतलब ही नहीं था।
ही वॉक ओनली विद गॉड, वो केवल परमेश्वर के साथ चलता था, संसार से और संसार की बातों से। अब आपका क्या है जुमला, अरे भाई साहब क्या करें, संसार में रहते हैं तो ये तो सब करना ही पड़ता है। कर, मैं तो नहीं करता, इतना खरा बोलने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आपको। जब हम खराई ईमानदारी से जीवन जिएंगे ना, तब परमेश्वर की दृष्टि में आएंगे और तब परमेश्वर बोलेगा उसको देखो, लुक टू हिम। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में अय्यूब की किताब में आएंगे हम। उस नूह की वंशावली को हमने देखा, अब एक और व्यक्ति है जिसका नाम है अय्यूब। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था, वह खरा और सीधा था। कैसा था? खरा और सीधा। खरा का क्या मतलब है? कोई खोट, कोई समझौता, कोई दूध में पानी। आज हम अपने जीवन में जितनी खाद्य सामग्री है उसको देख लें, उसमें भी मिलावट है, तेल में मिलावट है, हमारे मिर्ची हल्दी धनिया उसमें मिलावट है, कुछ भी तो छूटा नहीं है जो है बिना मिलावट के। और ये मिलावट आध्यात्मिक जगत में भी घुस गई, आध्यात्मिक जगत में भी चलता है, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, अभी तो कर लो बाद में देखेंगे। ये जो समझौते का जो जीवन है ये प्रभु को पसंद है। इसलिए लेखक भजन 37 के 36 पद में, कौन सा पद है वो, 37, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, 37 का 37 खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, और धर्मी को देख, और किसको देख, धर्मी को देख। काय को गिरते को देखता है, काय को कमियों वालों को देखता है, उठतों को देख, जिन्होंने ऊंचाइयां हासिल की उनको देख, उनके चरित्र से सीख। आप अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ करके इंस्पायर हो सकते हैं, पढ़िए बाइबल में आपको कितने ऐसे चरित्र मिलेंगे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के 12 चेले आप ले लीजिए, उनकी बायोग्राफी उठा लीजिए, वो कौन से पढ़े लिखे थे, वो कौन से लर्नेड पर्सन थे, लेकिन जो यीशु के पीछे आए और यीशु के साथ खराई ईमानदारी से चले, यीशु के लिए मरने को भी तैयार हो गए, उनका नाम आज भी ले रहे हैं 2000 साल बाद भी, और वो सूर्य की नाई चमकेंगे। मेरे प्रिय लोगों, नूह और अय्यूब अपने जमाने का खरा व्यक्ति था, और खरे व्यक्ति को प्रभु कभी नाश नहीं होने देगा, याद रखना। मुझे एक बात बताइए, क्या नूह को प्रभु ने नाश होने दिया? साल तक किश्ती बनने में जो समय लगा, अपने क्रोध को परमेश्वर, अपनी योजना को परमेश्वर अपने अंदर समेट के रखा, एक खरे व्यक्ति को बचाने के लिए, एक खरे परिवार को बचाने के लिए। और आपको पता है कि उसके बाद जब जल पर ले आया तो कितना बड़ा जोखिम था, उस जोखिम से कौन बचा? मिलावटी ब्रदर, मिलावटी परिवार बचा कोई? जो खराई पे चलता था। नंबर 2, अय्यूब का सब कुछ गया। अय्यूब खरा व्यक्ति था,
और शैतान ने जाके परमेश्वर से कह दिया जी तूने सब कुछ दिया है इसको, इसलिए वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता है। तो तू कुछ इसको छेड़ के देख, इसका सब कुछ लेके देख, और परमेश्वर से इजाजत लेकर उसने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। लेकिन अय्यूब अपने जमाने का खरा व्यक्ति था। अय्यूब के मन से एक ही बात निकलती थी, खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, उसी का नाम। आपको देके खुदा ले ले तो आपसे, आपको खुदा दे दे पहले और खुदा बाद में आपसे ले ले। कितने लोग खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे बाद में? ऐसा होता है क्या? खुदा पहले देता फिर लेता है? कईयों के जीवन में ऐसी घटना घटती है, खुदा आशीष देता है वापस भी ले लेता है। कितने लोग उसके साथ वफादार रहेंगे? अय्यूब का सब कुछ चला गया, पर अय्यूब में खराई थी। बोला खुदा तो खुदा है, खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम धन्य हो, मैं खुदा को तो नहीं छोड़ूंगा। और बीवी क्या बोल रही है? बीवी बोल रही बेवकूफ, लानत भेज ऐसे खुदा को, छोड़, काय का खुदा है, छोड़ दे ऐसे खुदा को, खुद भी मर जा, सब तो मर गए तू भी मर जा। लेकिन अय्यूब अपनी पत्नी को बहुत बेहतरीन जवाब देता है, हे मूर्ख स्त्री, क्या जिस परमेश्वर ने मुझे आशीष दी अगर आज वो मुझसे ले रहा है तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? ये थी खराई, खुदा के साथ एक कमिटमेंट। जैसे आपका पति के साथ एक कमिटमेंट होता है, दुख में और सुख में साथ दूंगी, ऐसे ही पत्नी, पति का भी कमिटमेंट होता है पत्नी के साथ, तेरे दुख में और सुख में मैं तेरा साथ दूंगा। उस कमिटमेंट को आप निभाते हैं, उससे भी बढ़कर कमिटमेंट खुदा के साथ है। कुछ मिले या ना मिले, तू मेरा प्रभु है। तो खरा ईमानदारी से ये दो शख्स चले, और दोनों शख्सों को जीवन को आप देख लीजिए, सक्सेस हुए। नूह बचाया गया और अय्यूब का जो कुछ गया डबल हो गया। खुदा कभी आपका पैसा का कर्जदार नहीं बनेगा। वो एक समय था, एक परीक्षा का समय था, उसकी खराई पर लोग उंगली उठा रहे थे, इसलिए खुदा ने उसको उस रास्ते से जाने दिया। लेकिन अय्यूब ने भी ये प्रकट कर दिया कि मैं खरा हूं तो मैं खरा हूं, मेरा तेरा रिश्ता किसी लालच के डोरी से नहीं बंधा है, लेने देने के चक्कर में नहीं बंधा है। हम आके मारवाड़ी में बोले बुआ मस दे भतीजा मस ले, नहीं, आके मारवाड़ी में यान कावत है, बुआ मस दे और भतीजा मस ले, मतलब लेन देन जारी रहना चाहिए। पर अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब ने बोला तू सब कुछ ले लेगा तो भी तू मेरा प्रभु है। ये खराई ईमानदारी हमारे लाइफ में होनी चाहिए, तब खुदा डबल करके देता है। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या लिखा है? खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा होता है। अगली आयत क्या लिखी है पढ़िए। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। अपराधी जो है वो क्या हो जाएंगे? एक साथ नष्ट किए जाएंगे। और दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। दुष्टों का अंतफल क्या है? सर्वनाश है। आपको पता है नूह के जमाने में दुष्टता बढ़ रही थी, पाप बढ़ रहा था, अंतफल क्या हुआ उनका? वो सब मर गए। लेकिन कौन बचा? कौन बचा? खरा व्यक्ति। इसलिए मैं आपसे, दुनिया में अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो तो खराई और ईमानदारी से चलो। समझौता एक्सप्रेस गाड़ी को बंद करो। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द अदर पीपल्स। लोगों के साथ समझौता मत करो, उनके गलत कामों में समझौता मत करो, उनके गलत रीति रिवाज कस्टम सिस्टम में समझौता मत करो।
क्या करेंगे वो? जब आप बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, मत आने दीजिए, इससे ज्यादा वो आपको सजा नहीं दे सकते, बोलिए ना, इससे ज्यादा क्या सजा देंगे, बोलिए ना। आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको खुदा चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, बोलो है? नहीं, आप लोगों को प्रॉब्लम ये है, वो नाराज हो जाएगी तो क्या करूंगी। जिंदगी में एक बात ध्यान रखिए, अगर यीशु कैसा दोस्त प्यारा, अगर वो आपके साथ है तो दुनिया में हजार दोस्त आपके लिए खड़े कर देगा वो, हजार रिश्तेदार खड़े कर देगा वो आपके। अगर वो ही आपके साथ नहीं है तो जो खड़े हैं ना आपके साथ, वो भी थोड़े दिनों के बाद साथ छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन वो खुश रहेगा तो जीवन भर खुशहाली बनी रहेगी। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु से बोले, प्रभु मेरी दृष्टि को खरे व्यक्ति पे लगा दे। मैं अपने जीवन के अंदर आज एक निर्णय लेना चाहता हूं। बाइबल का कोई सा भी चरित्र पकड़ लीजिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, पौलुस, पत्रस, यहुन्ना, याकूब, यीशु मसीह के चेले, धरती पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के सेवक दिखते हैं, उनमें से एक का पीछा कर लीजिए जो मिलावट नहीं करते, जो खरा ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते हैं, जो ऊंचाइयों पर हैं उनको देखिए, गिरतों को मत देखिए, उठतों को देखिए, खरे व्यक्ति पर दृष्टि करिए, तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा और एक दिन आप भी बहुत ऊंचाइयों पर होंगे।